अस्सलामु अलैकुम। पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वहशी कसाई मोदी से इनकार, सार्क वज़राए खारजा कौंसिल इजलास में पाकिस्तान का पुरजोर एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय हम मनसब की तकरीर सुनने से इनकार कर दिया, कहा भारत के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं, पाकिस्तान भारत से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहता, कश्मीर का महासरा खत्म होने तक भारत से बात नहीं होगी। उधर शाह महमूद कुरैशी की बहरीन, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए खारजा से भी मुलाकातें। भारत एक बार फिर तन्हाई का शिकार, सार्क सरबराह इजलास आइंदा पाकिस्तान में हो, खारजा की तस्दीक। सार्क के रुकन ममालिक ने पाकिस्तान में इजलास के नकाद पर रजामंदी का इजहार भी कर दिया, पाकिस्तान जल्द सार्क सरबराह इजलास के लिए तारीख तजवीज करेगा। अमीर मुल्क इमदाद नहीं, गुर्बत कम करने में मदद करें, वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुश्किल हालात के बावजूद भी तरक्की की राह पर गामजन हैं। 70% खसारा कम कर दिया गया, टैक्स नेट में इजाफा बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान की साबका क्यादत करप्ट थी, न्यूयॉर्क में मुआशी तरक्की से मुतालिक मुजाकरे से खताब, और एशियाई सोसाइटी में सवालात के जवाब। पिपला हुकूमत पंजाब की खसूसी हदायत पर डेंगू से बचाव के लिए आवाम को आगाही देने के सिलसिले में शुरू मुहिम के दौरान महकमा सेहत मियांवाली की तरफ से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल हाफिजवाला में डेंगू बुखार की आगाही पर खसूसी सेमिनार किया गया। हेडमास्टर ने सेमिनार से खिताब किया और मुकर्ररीन ने शुरका को डेंगू की वजूहात, अलामात और बचाव के बारे में तफसीली आगाही फराहम की। आईजी डॉक्टर इमाम कलीम की जानिब से घोटकी के शहीद होने वाले सिपाही के वर्सा को 3 लाख का चेक दिया गया। डॉक्टर फारूक ने 2016 में ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट में शहीद होने वाले शौकत अली के वालिद को अपने हाथों से चेक दिया। शहीद हमारा सरमाया है और शहीदों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी की तरफ से तबादला होकर जाने वाले एएसपी शहजाद उमर अब्बास के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। एएसपी की खिदमात को सराहा और डीपीओ मियांवाली ने एएसपी को तारीफी शील्ड से भी नवाजा। कानून के रखवाले भी डाकुओं से महफूज न रह सके, 3 नामालूम अफराद ने पुलिस अहलकार को घेरे में ले लिया, मुजम्मत की तो शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। भेरा डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल की जेर सदारत इंसदाद डेंगू के सिलसिले में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें आसिया गुल का कहना था कि डेंगू के खिलाफ इंसदादी कार्रवाइयों में गफलत ना बरती जाए, फराइज में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शोरकोट गढ़ महाराजा बाहू पुल के पास कोस्टर फुटपाथ से टकराने के बायस उलट गई, जिसके नतीजे में 8 लोग जख्मी। रेस्क्यू 112 की टीमों ने इब्तदाई तिबी इमदाद देकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर शोरकोट मुंतकिल कर दिया। डीपीओ चनियोट सैयद हुसैन हैदर की हदायत पर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, चोरी और नकबजनी की वारदातों में मतलूब गैंग गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान मुलजिमान से नकदी और असला भी बरामद कर लिया, मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी। पेशावर LRH अस्पताल में हालात कशीदा, एहतजाज करने वाले डॉक्टरों ने बंद गेट को खोलने की कोशिश की और पत्थरराव किया, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स पत्थरराव और लाठी चार्ज से जख्मी, पुलिस चैलेंज से निजी टीवी चैनल की रिपोर्टर की भी हालत गैर हो गयी। बहावलपुर निजी स्कूल के जेरे एहतमाम मजलूम कश्मीरी भाइयों के लिए रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों की जबरदस्त नारेबाजी और बच्चों ने अपने हाथों में बैनर्स उठाए रखे थे। सब बच्चों की जुबान पर एक ही नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
गुज़श्ता रात पसंद की शादी के तनाज़ा पर भुट्टो और पठान बरादरी में खूनी झगड़ा। फायरिंग का सिलसिला कई घंटे तक जारी रहा। जाए वकूआ पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी ने पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। पठान बरादरी ने कत्ल होने वाले सैफुल्ला पठान की लाश को नेशनल हाईवे पर रखकर रोड ब्लॉक कर दिया। जिला झंग पुलिस ने कुवते गवाही से महरूम गुमशुदा बच्चे को इसके लवाही टीम के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कुवते गवाही से महरूम बच्चा एहतशाम बानपुर का रिहायशी है, जो कि काफी दिनों से घर से लापता था और इसके वालिद बच्चे की गुमशुदगी की वजह से काफी परेशान थे। गुज़श्ता रोज झंग पुलिस को गुमशुदा बच्चा मेन बाजार झंग से मिला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग की खसूसी हदायत पर वसी पैमाने पर सोशल मीडिया के जरिए बच्चे के लवाही टीम को ढूंढ कर बच्चा इनके हवाले कर दिया गया। थरपारकर, छाछरों और गिरदानवा के बेशतर इलाकों में फसलों पर टिड्डी दिल का हमला। टिड्डी दिल के हमले से गवार, बाजरा और मूंग जैसी फसलें मुतासर। काश्तकार परेशान, महकमा ज़राअत ने कोई इकदाम नहीं उठाए। काश्तकारों का जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। पिपला के शहर हाफिजवाला में आज भारत का कश्मीरियों पर जुल्म और जबर के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसी सिलसिले में हाफिजवाला के शहरियों, तलबा, अंजुमन ताजरान ने एक रैली का अहतमाम किया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इलाके के मौजूदीन ने रैली से खताब करते हुए कहा, कश्मीर हमारी शहरग है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, हम कश्मीरियों का खून राएगा नहीं जाने देंगे। पसरूर और इसके मजाफात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। ज़राई माहिरीन के मुताबिक ये बारिश धान की फसल के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। बदीन, अली टाउन और आदिल टाउन में गुज़श्ता 6 रोज से खराब ट्रांसफार्मर तब्दील न करने के खिलाफ इलाका मकीनों ने पुलिस थाने के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। हैस्को के खिलाफ नारेबाजी, ट्रांसफार्मर को तब्दील करके बिजली बहाल करने का मुतालबा। धरने के बाद ट्रैफिक बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें, बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। हरिपुर मुस्लिम लीग नून की वर्कर्स कन्वेंशन हरिपुर के साबिक वजीर हायर एजुकेशन काजी असद की जेर सदारत जारी, जिसमें हजारा भर से वर्कर्स और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी। मजीद जानते हैं मुराद सनम की इस रिपोर्ट से। हरिपुर में साबिक वजीर हायर एजुकेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काजी असद की रिहाइशगाह पर यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। आप मेरे हक में देख सकते हैं यहाँ पंडाल में भरपूर यूथ के जो नौजवान हैं, और उन्होंने भरपूर अंदाज में शिरकत की और इस वर्कर कन्वेंशन में औरंगजेब नलोठा और मुमताज जवेद आबासी की भी जो आमद हो चुका है। यहाँ पर मुकर्रीन जो है इस अपने कायद के जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से जो उन पर इल्जाम लगाए गए उनकी भरपूर अंदाज में दिफा करते नजर आए हैं। मुराद सनम, पॉपुलर टीवी, हरिपुर। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़।